देखो अभी हमने स्टार्टिंग में सबसे पहले क्या देखा था, आपको पता होगा सबसे पहले स्टार्टिंग में देखा था डिस्प्ले नन और डिस्प्ले हिडन। डिस्प्ले नन में क्या होता है, जिसको भी हमें नन करना हो, बंद करना हो, वहां पर हम क्या यूज कर लेते हैं, डिस्प्ले नन का यूज कर लेते हैं। विजिबिलिटी डन में क्या होता है, गायब तो हो जाता है मगर वहां पर दिख रहा होता है, ये हमारा कौन सा होता है, विजिबिलिटी हिडन। ठीक है, अब इसके बाद हमारा आता है लीनियर ग्रेडियंट। इसमें क्या होता है, एक साथ मल्टीपल कलर आप लगा सकते हो, जैसे आपको यहाँ दिख रहे होंगे, देखो एक साथ मल्टीपल कलर। तो इसके लिए हमने क्या यूज किया, लीनियर ग्रेडियंट, टू राइट, टू रेड, येलो, ब्लू, है ना, एक साथ। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लो, मैं ये पार्ट दे देता हूँ चैट में इसका, ये सेक्शन, तो आपका टाइम बचेगा। आप एक बना फाइल लीनियर ग्रेडियंट के नाम से, हम लोग एक बनाने फाइल लीनियर ग्रेडियंट, और ये मैं आपको चैट में दे रहा हूं। ठीक है, ये स्टाइल दे रहा हूं आपको चैट में, स्टाइल वाला कोड। ठीक है, नोट में टाइम चला जाएगा इसमें, ले लो। और आपको सिर्फ क्या लिखना है, ये लिखना है डिक्ट इन द क्लास हेड, और ये लगा लेना स्टाइल, लगा लेना आपको स्टाइल, और स्टार मार्जिन पैडिंग 0 लिख लेना। ठीक है, नोट करें इतना पहले, तो समझाता हूँ। हाँ अंकल, नोट कर लिया। डिप करने क्लास हेडर, और ये नोट कर लो, जितना मैं दे दिया इतना पार्ट नोट कर लो। बाकी लोगों का चलो। तो अब इसमें चीज देखो, अब एक बनाओ फाइल आर जी वी ए के नाम से, आर जी वी ए, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा। रेड ग्रीन ब्लू अल्फा,
अब देखो सब लोग, हाँ आपको यहाँ पे एक इमेज दिख रही पीछे बैकग्राउंड में, तो सब देखें यहाँ पे। सबको ये स्क्रीन पर तो आप लोगों को दिख रहा होगा कि बैकग्राउंड में एक इमेज चल रही होगी, उसके अंदर मैं डिप लगा रखा है। देखो यहाँ देखो डिप के अंदर क्लास ए नाम की, इसके अंदर पैराग्राफ ले रखा है, ठीक है। और वो मैंने क्या किया यहाँ पे बॉडी पर, पूरी बॉडी पर मैंने क्या कर रखा है बैकग्राउंड इमेज लगा रखी है, रिपीट पोजिशन सब पता है सारी चीज़ें, ए के अंदर पैडिंग बैकग्राउंड सब कुछ पता है ना आप लोगों को। बोलो भाई जानते हो ना, हाँ। तो मैं स्टार लॉ लगा देता हूँ, स्टार मार्जिन जीरो पैडिंग जीरो। अब क्या हुआ, जैसे ही आपने ये बैकग्राउंड रेड लगाया तो इससे पीछे वाली इमेज छुप गई, छुप गई है ना सब लोग। हम चाहते हैं पीछे वाली में ना छुपे, पीछे वाला बैकग्राउंड में दिखता रहे, तो हम वहाँ पर क्या यूज़ कर लेते हैं, RGBA यूज़ कर लेते हैं। देखो कैसे मैं इस रेड की वाली लिखता हूँ, ठीक है ना, अभी आपको समझ आ जाएगा। R एक होता है RGB, रेड ग्रीन ब्लू, देखो बाय डिफॉल्ट क्या आएगा ब्लैक। 00 मतलब RGB, क्या लिखा है यहाँ पे RGB, रेड ग्रीन ब्लू 00, ब्लैक ब्लैक आ रहा है, ठीक है। अब आपको याद होगा बचपन में पेंटिंग करते थे, पेंटिंग याद है, तो पेंटिंग में आपने दो तीन कलर मिक्स करके एक नया कलर बना देते थे आप लोग, याद होगा, याद है नहीं याद है, बचपन में करते थे दो तीन कलर मिक्स कर लिए एक नया कलर बन गया। तो आप RGBA को वही समझो, RGBA। तो देखो मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे आया गया दिख रहा है, अब मैं यहाँ पे एक कलर डालता हूँ कुछ भी, ठीक है। मैं लिख दिया यहाँ पर रेड, कलर कोड यहाँ पे लिखना होता है कलर कोड, मैं लिख दिया 244 54, तो रेड आ गया 254 पे, ठीक है। ऐसे भी मैं लिख देता हूँ इस वाले में भी, लिख दिया 254, देखो तीनों में कर देता हूँ 254, तो क्या हो गया वाइट हो गया पूरा, है ना, दिख रहा है आप लोगों को बैकग्राउंड कैसा हो गया, दो चौ लगाने से वाइट हो गया सब लोग, है ना। तो ऐसे क्या होते हैं कलर कोड होते हैं, आप कुछ भी लगा दो, मैं कर देता हूँ 200 100, देखो तो कुछ और ही बन गया, देखो मैंने कर दिया 50, देखो अब कुछ और कलर बन के आ रहा है, दिख रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है जानते हो, क्या हो रहा है यहाँ पे, ये दो कलर मिक्स करके हम कुछ ना कुछ कलर बना रहे हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे इसको जीरो कर देता हूँ, देखो जीरो कर दिया तो ये बन गया ना। अगर मैं गूगल पे जाऊँ, अरे कर्सर लिखूँ RGB, देखो आपको यहाँ पे खूब सी दिख रहे हैं कलर कोड इनके, क्लिक कर देता हूँ ज्यादातर, देखो दिख रहा है 255 बाय डिफॉल्ट क्या होता है रेड होता है, दिख रहा है ना सबके 255 होते हैं रेड, देखो दिख रहा है, देखो जी लगे हुए, देखो 255, अगर ऐसे लिख दोगे तो ब्लू हो जाएगा, ऐसे लिख दोगे तो ये कलर बन जाएगा, ऐसे लिख दोगे तो ये कलर बन जाएगा, दिख रहा है वही पेंटिंग बचपन आप लोगों ने पेंटिंग की थी, ऐसे लिख दो तो जी कलर आ जाएंगे, देखो समझ आ रहा नहीं आ रहा कलर RGB, समझ आ रहे हैं RGB सिंपल है, दो कलर मिक्स करके एक नया कलर बन जाता है, ठीक है। अब लास्ट एक होता है इसमें RGBA, ए का मतलब क्या होता है अल्फा, ठीक है ना, रेड ग्रीन ब्लू अल्फा, ये क्या करेगा ट्रांसपेरेंट कर देगा कलर को, देखो दिख रहा होगा ट्रांसपेरेंट, देखो दिख रहा, देखो यहाँ पे जीरो लिखा था
जैसे मैं लिखा 0.2, देखा ना ट्रांसपेरेंट हो रहा है ना। तो अभी करके दिखाता हूँ। तो अभी आरजीबी ये समझ आया, आरजीबी क्या होता है, ये वाला आरजीबी। तो मैं लिखता हूँ 255, तो अभी क्या बन जाएगा बाय डिफॉल्ट रेड, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे जीरो कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ 255, तो ग्रीन, ठीक है। और ऐसे यहाँ लिख दूंगा तो ब्लू, इसको जीरो कर दूं तो, ठीक है। अब अगर इनको आपस में मिक्स कर दूं, यहाँ कर देता हूँ 50, यहाँ कर देता हूँ 50, यहाँ कर देता हूँ 50, तो कुछ नया कलर बन के आ गया है ना। अब जी तो सिंपल था आरजीबी। अब एक और आता है आरजीबी, ये वो क्या करता है, इसको कमेंट करता हूँ और नीचे आता हूँ। यहीं पे आता हूँ, लिखता हूँ बैकग्राउंड आरजीबी ए, ये मतलब अल्फा, ठीक है। तो अभी देखो बाय डिफॉल्ट कलर क्या सारा होगा, ब्लैक आ रहा है, सब लोग ब्लैक। अब बैकग्राउंड हम आरजीबी क्यों यूज कर रहे हैं, अब मैं चाहता हूँ मुझे इसके पीछे का बैकग्राउंड भी दिखने लगे, जो बैकग्राउंड लगाना है इमेज वो दिखने लगे, तो मुझे क्या करना होगा, इसकी अल्फा की जो ऑपोसिटी कम करनी होगी, ठीक है। अगर मैं लिखता हूँ 0.1, देखना भी क्या होगा, तो कितना हल्का हो गया, दिख रहा है आपको ऑपोसिटी इसकी बैकग्राउंड की हल्की हो गई। अगर मैं करता हूँ 0.3, 0.1 से लेके 1.0 तक रहती है, देखो थोड़ी डार्क आ गई। और करना चाहो 0.5 और आ गई, ठीक है 0.8। अब इसमें क्या हो रहा है, पीछे की बैकग्राउंड इमेज दिख रही है पीछे की बैकग्राउंड इमेज सो रही है, सब लोग क्लाइंट क्लाइंट कहता नहीं, अरे आपने बैकग्राउंड लगा दी, मैं पीछे की मेरे बैकग्राउंड इमेज दिख रही है, तो मेरे पीछे के बैकग्राउंड में भी दिखनी चाहिए, तो वो कैसे करोगे, वो आप ऐसे करोगे। पॉइंट समझ आ रहा है ना, और बाकी तो वो है ही। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ 255, तो रेड हो जाएगा कलर में, देखो हल्का देखो रेड है ना। और अगर यहाँ कुछ कर दोगे तो कुछ और मिक्स हो जाएगा कलर, देखो मिक्स हो गया, कुछ यहाँ कर देते हैं हम तो मिक्स होकर बन जाएगा। देखो हल्का करना चाहते हो तो यहाँ पर कर दो 5 5, हल्का हो गया। 0.1 कर दोगे तो, 1.0 कर दोगे तो वही सेम आएगा जैसा आता है डार्क, ठीक है। ऑपोसिटी कम करनी है तो स्टार्ट कहाँ से होता है, 0.1 से, जितना आप ले जाना चाहो 6 पे 7 पे, जैसे आप दिखाना चाहो वो आप कर सकते हो। समझ आ गया आरजीबी का मतलब, नोट करो आरजीबी। इसको मैं दे देता हूँ, नोट करोगे तो टाइम बचेगा, कि नोट कर रहे हो, करोगे तो दे दो। CSS व्हाट्सएप भेज देता हूँ, चलो वहाँ से आप ले लो, चल नहीं क्या मेरा बंद है, व्हाट्सएप बंद हो गया, चलो तो मैं ये भेज रहा हूँ, इतना भेज रहा हूँ, CSS भेज देता हूँ, चैट भेज रहा हूँ, चैट में HTML आप लिख लेना, CSS दे रहा हूँ चैट में, HTML आप लिख लेना, CSS में दे दिया, अब HTML लिख सकते हो ना, लो CSS के स्टाइल लगा लेना स्टाइल टैग, और अभी लिख लो HTML लिख लो सिंपल से, तो चला के देख लो RGB RGB दोनों
नोट हो जाए बता देना। ठीक है, बाकी लोगों का चलो क्लियर हुआ ना। RGB क्या होता है? अब देखो, अब आता है पोजीशन। पढ़ाया था पोजीशन आप लोगों को, पोजीशन बता चुका हूं। पोजीशन सिंपल सी, देखे पोजीशन, पोजीशन की प्रॉपर्टी। पोजीशन की कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है? पोजीशन, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड, स्टिकी, है ना। तो मैंने आपसे कहा कि वेलकम जो लिखा हुआ है इस कार के ऊपर आ जाना चाहिए, इस कार के ऊपर। तो अब क्या लगाओगे? पोजीशन लगाओगे ना, पता होगा सबको। क्या यूज करेंगे अपन? ओके, मार्जिन। देखिए मार्जिन करेंगे तो पूरा खिसकेगा, खिसकना कुछ भी नहीं चाहिए, कुछ भी चीज खिसके नहीं। अगर मैं मार्जिन टॉप से खिसकाऊंगा तो पूरा खिसकेगा। देखो इसको नहीं पता, वो देख लें तो पूरा खिसक रहा है ना। और हमें अकेला खिसकाना किसको है? वेलकम को। और वेलकम को मुझे कहाँ लेके आना है? इस कार के ऊपर। तो मुझे क्या करना होगा? इस वेलकम को बनाना होगा बजीर। चेस में क्या होता है? बजीर कहीं भी जा सकता है, कहीं भी आ सकता है, वो बजीर ही होता है ना। तो बजीर किससे बनेगा? ये पोजीशन से। मैं लिखा पोजीशन, रिलेटिव, फिर टॉप से जितना आपको खिसकाना नीचे, तो नीचे फिर लेफ्ट से जितना वो खिसकाना है। ठीक है, नहीं वो तो सिंपल कोडिंग है ना, देख के भी यूज नहीं किया ना अभी, इसलिए आ जाएगा वो। आ रहा है जी? नहीं नहीं आएगा, जब आया तो मुझे बताना। वैसे तो पोजीशन की बहुत ही जरूरत ही नहीं पड़ती। अगर आप डिस्प्ले फ्लैक्स यूज कर रहे हो ना, तो पोजीशन तो एक ब्रह्मास्त्र होता है, बहुत ही रेयर केस में इसको यूज करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि तो सारे काम तो हमारे डिस्प्ले फ्लैक्स ऑलमोस्ट कर ही देता है ना, तो उससे बिगड़ेगा नहीं कभी। तो देखो रिलेटिव हो गया, इसको मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, यहाँ लगा दी। ये तो आपको पता होगा सबको, रिलेटिव वाला तो बता चुका था क्या पहले? आपको पता है ना रिलेटिव? तो अब बात एब्सोल्यूट पता है। अब एब्सोल्यूट देखो, रिलेटिव और फिक्स तो पता ही होगा, फिक्स क्या होता है? फिक्स कर देते हैं। अब एब्सोल्यूट और रिलेटिव में डिफरेंस क्या है वो मैं देखना है। ठीक है, मेन चीज क्योंकि तो अभी आगे चल के यूज होगा डेड इंडेक्स में। हाँ, आपको एक ग्रीन बॉक्स दिख रहा होगा, एक पिंक बॉक्स दिख रहा है, दिख रहे हैं सारे बॉक्स? दो बॉक्स आपको दिख रहे हैं, ग्रीन बॉक्स और पिंक बॉक्स। अब मैं इस पिंक वाले बॉक्स पे पोजीशन लगाता हूं, देखना भी। मैं लिखा पोजीशन, एप्स पहले पहले करता हूँ रिलेटिव, रिलेटिव और टॉप से खिसका है। मैंने लिखा टॉप से 0 पिक्सल, तो ये कहाँ से चलेगा? जहाँ से है वहीं से चलता है। ठीक है, ग्रीन बॉक्स के अंदर से। ठीक है, देखो चल रहा है अपने आप, जैसे मैं 0 किया वहीं से चलेगा जहाँ से वो है। जैसी तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पेरेंट अभी किसको मानना है? बाई डिफॉल्ट ग्रीन वाले बॉक्स को।
बाय डिफॉल्ट रिलेटिव कहाँ चलता है, जिसमें वहीं से चलता था ना। ठीक है, तो अभी आप दिमाग चलो कि जो ग्रीन वाले बॉक्स को अपना पेरेंट मानना है, ठीक है, जहां से चलता है। जैसे ही मैंने लगाया एब्सोल्यूट, तो क्या हुआ, टॉप से जीरो। अब इसके लिए पेरेंट कौन हो गया, जब आप पोजीशन एब्सोल्यूट लगाते हो तो बाय डिफॉल्ट वो कहां से चलता है, टॉप से, और जब रिलेटिव लगाते हो तो जहां से होता है वहीं से चलता है, वो जहां है वो पहले से, ठीक है। और एब्सोल्यूट हमेशा कहां चलेगा, टॉप से। अब मान के चलो ये तो पता चल गया, क्लाइंट ने कहा कि नहीं भाई ये ग्रीन वाले बॉक्स को ही पेरेंट माने, क्लाइंट ने कहा कि ये ग्रीन वाले बॉक्स को ही पेरेंट माने, तो फिर क्या करना होगा, तो फिर हमें क्या करना होगा, ये ग्रीन वाले बॉक्स को क्या करना होगा, इस ग्रीन वाले बॉक्स पे आके हमें लगाना होगा पोजीशन रिलेटिव। अब उसने किसको पेरेंट मान लिया, एब्सोल्यूट ने, ग्रीन वाले बॉक्स को, समझ आ रहा है। हमने क्या किया, ग्रीन वाले बॉक्स को पहले पोजीशन रिलेटिव दिया, तब मैंने पिंक वाले बॉक्स पे जैसी दिखा, पिंक वाले बॉक्स पे जैसी मैंने देखा पोजीशन एब्सोल्यूट, फिर वो टॉप से नहीं चला, तो उसके लिए पेरेंट कौन बन गया, ये बन गया। सिंपल क्वेश्चन ये रहता है, कोई आपसे ये पूछेगा कि रिलेटिव और एब्सोल्यूट में डिफरेंस क्या है, तो रिलेटिव कहाँ, रिलेटिव जहाँ से होता है वहीं से काम करना चालू करता है, मगर एब्सोल्यूट में क्या होगा, वो टॉप से काम करना स्टार्ट करता है, ये मेन डिफरेंस होता है। एब्सोल्यूट कहाँ चल रहा है आपको दिख रहा होगा, टॉप से, और रिलेटिव जहाँ से वहीं से चलता है। बात समझ आ गई दोनों में, याद रखना चाहिए ये, तो नोट कर लो उसको, जो सी एस एस में दे देता हूँ। अब देखो मैंने क्या यूज़ किया यहाँ पे, आईडी यूज़ किया। आप देखो यहाँ पे मैंने आपको बताया था ना कि एक होता है डॉट का यूज़ करते हैं क्लास से, और एक होता है हैश यूज़ करते हैं आईडी से, बताया था। तो अब यहाँ पे मैंने क्या किया, आईडी का यूज़ कर लिया, तो आईडी के लिए मैंने क्या लिखा यहाँ पे, देखो डिप के अंदर आईडी बॉक्स, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया बॉक्स, देखो आईडी, ठीक है, काम वही कर रहा है सेम। बस आईडी क्या होता है कि एक दो चीज़, आईडी सबको पता है आईडी तो यूनिक होती है ना, एक दो चीज़ों के लिए अपन आईडी यूज़ कर लेते हैं। किसी ने मुझसे कहा भी था कि सर आईडी का बता देना, तो देखो यही सेम है, आईडी जब यूज़ कर रहे हैं तो ऊपर क्या देना होगा, हैश लगाना होता है। आईडी पर्टिकुलर एक दो क्लासों के लिए यूज़ कर लो, है ना, अब पूरे में आईडी यूज़ नहीं करनी, फिर तो इनलाइन सी एस एस लगा लेते हैं हम लोग, ठीक है, नोट कर लो। वैसे तो हमेशा क्लास ही लगाया करो, ये सब मैं आपको चैट में दे देता हूँ। वही आईडी यूनिक रहती है, जैसे इनलाइन सी एस एस नहीं चल रहा कर रहे थे अपन काम, है ना, इनलाइन का मतलब क्या होता है पर्टिकुलर एक दो के लिए यूनिक के लिए, वैसे आईडी को लेकर चलते हैं कि यहाँ आईडी लगा लो इसको यूनिक रहेगी इसके लिए यूज करते हैं, और क्लास सबके लिए चलती है कॉमन, इसलिए ज़्यादातर क्लास का यूज करते हैं। मेरा व्हाट्सएप चालू नहीं है, चैट से ले लो ना, चैट में है तो क्यों नहीं होता, देखो यहाँ पे आओगे, देखो ऐसे आओ कि मैंने भेजा भी, इसको ऐसे सेलेक्ट करो, देखो ऐसे जो कॉपी उतर आए, देखो कंट्रोल सी करो प्रेस कर लो, हाँ मोबाइल पे तो नहीं होगा। चलो मैं क्या करूँगा, लास्ट में अभी मैं इसको ग्रुप व्हाट्सएप चालू, कोई भी भेज दो, और भी कोई और कोई भेज दे इसका व्हाट्सएप चालू हो, जिसका व्हाट्सएप चालू हो वो भेज दे, है ना, मेरा बंद है उसमें इसलिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं लगा सकते ना, लगा सकते ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। आईडी का मतलब जैसे आपकी कॉलेज की आईडी है तो वो आप ही के लिए है ना, यूनिक है वो। अब जैसे सिंपल है, जैसे मुझे ये ग्रीन बॉक्स था, अब मुझे पता है कि मुझे अभी ग्रीन बॉक्स कहीं और यूज़ करना नहीं है, तो इसलिए मैंने आई डी लगा दिया था बस, ठीक है, लगता कि और भी कहीं चलाना पड़ेगा ऐसा वैसे तो क्लास लगा लेते हैं, ठीक है।
सीएसएस मैंने आपको दे दिया है, आपको सिर्फ एचटीएमएल लिखना है। एक बनाना है ना फाइल पोजीशन के नाम से, पोजीशन एक बना लो फाइल पोजीशन, चला के सब देख लें। चल गया, चल गया सबका। बाकी लोगों का चलो अब देखो, अब देखते हैं आउटलाइन क्या होती है। आउटलाइन तो सब बनाने, देखो फाइल एक आउटलाइन, देखो मैं दिखाता हूँ आउटलाइन क्या होती है। आप देखो यहाँ पर देखो, दिख रहा है एक बॉर्डर के ऊपर दूसरा बॉर्डर बना हुआ है, एक बॉर्डर ये बना हुआ है और एक बॉर्डर जे बना हुआ, मतलब बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बना हुआ है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, आउटलाइन कहते हैं। बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर, इसको बोलते हैं आउटलाइन। ठीक है, देखो कैसे बनाते हैं। तो मैं इसको थोड़ी देर के लिए बंद करता हूं, तो सिंपल एक बॉर्डर है, हम मुझे इसके ऊपर एक बॉर्डर और बनाना है, मतलब बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाना है, उसी को कहते हैं हम लोग आउटलाइन। तो मैंने क्या किया यहाँ पे, सबसे पहले लिखा मैंने आउटलाइन, स्टाइल कर दिया डॉटेड या डबल डैश जो देना आपको बॉर्डर डॉटेड, देखो आपको दिख रहा होगा डॉटेड आ गया होगा छोटा छोटा सा पर इसके, है ना। फिर मैंने दिया आउटलाइन, आउटलाइन ऑफ कलर ये दिया रेड मैंने, देखो रेड रेड आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, इसकी थोड़ी बिट सेट कर देता हूँ तो आपको अच्छे दिखेगा। आउटलाइन बिट कर दी मैंने 5 पिक्सल, आपको दे जाएगा दिखने लगा, ज्यादा कर देता हूं तो और अच्छे दिखने के लोग कर देता हूं लगा। जो भी बॉर्डर होते नहीं बताए थे ना, बॉर्डर बहुत सारे होते हैं। अब मैं थोड़ा इसको दूर करना चाहता हूं बॉर्डर से, तो उसके लिए क्या यूज करेंगे, आउटलाइन ऑफसेट
टेन फिक्स है, 20 फिक्स है, समझ आ गया। आउटलाइन स्टाइल में क्या हो गया, डैश दे दो, डैश देना चाहो डैश दे दो, सबको देना हो स्टाइल, सिखाया था ना बॉर्डर स्टाइल, देखो डैश आ गया। फिर रेड दे दिया, विड्थ दे दी मैंने इसकी बॉर्डर की, फिर मुझे थोड़ी गैपिंग करनी थी तो मैंने लगा दिया ऑफ सेट, इसको क्या बोलते हैं, आउटलाइन, बॉर्डर के ऊपर बॉर्डर बनाना, है ना, नोट कर लो थोड़ा ये तो, नोट कर लो, ये नोट कर लो, ये जरूरी है, छोटा ही सी है, सीएस नोट कर लो, हो गया नोट। चलो ठीक है, आज के लिए इतना काफी, प्रैक्टिस करना, जिनके टास्क अभी तक नहीं आए हैं तो दिया था उस दिन, वो सब आप बना के भेजना सब लोग, ठीक है, जिन्होंने टास्क सेंड नहीं किए हैं वो टास्क सेंड करें, और जिनकी फीस सबमिट नहीं है वो अपनी फीस सबमिट करें, ठीक है, काफ़ी लोगों की फीस सबमिट नहीं है बैच के अंदर अभी, ठीक है, काफ़ी लोगों की फीस सबमिट नहीं है बैच के अंदर, आप लोग अपनी फीस सबमिट करें, है ना सब लोग, कि बेरे मैसेज करना बोलना भी नहीं अच्छा लगता बैच में इतना। चलो ठीक है, मिलते हैं सब लोग अगली क्लास में फ्राइडे को, बाय सब लोगों को, गुड नाइट।